जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 6 जुलाई 2024 को क्लास 6 का हिंदी और गणित का वीकली टेस्ट लिया गया। इस वीडियो में हम आपके हिंदी में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे और उसका आंसर्स भी देखेंगे कौन सा सही उत्तर था। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, क्लास 6 के हिंदी में क्लास 5 का हिंदी आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हैं या तो ग्रामर के हैं या तो फिर क्लास 5 का हिंदी बुक से हैं, तो यहाँ पे त्रुटियाँ हुई है JCERT के द्वारा, हो सकता है। देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं बच्चा, वो लेटेस्ट पैटर्न में पढ़ाते हैं कि जो आपका क्लास 6 का न्यू सिलेबस है उसके अनुसार आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सभी टीचर्स, यहाँ तक कि आप कितने भी, आप यूट्यूबर के पास, कितने भी टीचर्स के पास देखोगे, जो उनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो क्लास 6 के बुक्स के अकॉर्डिंग था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्लास 5 का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न दे रखा, हिंदी में कितने कारक होते हैं? विकल्प दे रखा है 7, 6, 3, 8। तो याद रखेंगे, हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सभी 8 कारक हैं। दूसरा प्रश्न है, घायल पक्षी की रक्षा करना मनुष्य के कौन से गुण का उदाहरण है? विकल्प है दुष्टता, अहंकार, दया, बड़प्पन। ये भी प्रश्न जो है क्लास 5 का है। एक प्रश्न है ना, एक कविता है जो जिसमें सिद्धार्थ और माँ का एक कहानी, हाँ माँ का एक कहानी क्लास 5 का कविता है, उससे प्रश्न दिया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पर घाव होगा, बड़प्पन। तीसरा प्रश्न दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम को किन नाम से पुकारा जाता है या फिर जाना जाता है? सुपरमैन, मिसाइल मैन, पावरफुल मैन, वैज्ञानिक प्रधानमंत्री। ये तो हुआ GK GS का प्रश्न, सभी को जानते हैं, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनकी बुक्स है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। अगला प्रश्न दे रखा है, उपवन का अर्थ क्या है? जंगल, वन, फूल, बाग। उपवन, उपवन का अर्थ क्या होता है? बाग होता है, बगीचा, घास सही है। वैसे आपने वन नहीं होगा, बगीचा ही होगा। मेले में हामिद ने क्या खरीदा? ये भी कक्षा पाँचवीं भाषांजलि पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 हामिद का चिमटा से लिया गया है। विकल्प दे रखा है चिमटा, मिट्टी का सिपाही, कंचा या मिठाई। मेले में हामिद ने क्या खरीदा? मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा, का सही होगा। छठा प्रश्न, सरहुल के दिन कौन से पेड़ की पूजा की जाती है? आम, कटहल, बरगद, साल। सही उत्तर क्या होगा? तो सरहुल के दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है, घा उत्तर सही है। सातवां प्रश्न, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? विकल्प दे रखा है चीता, शेर, हाथी, गाय। तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, ये हमने सुबह वाली क्लास में कर लिया था, जो सुबह 6 बजे GK GS की क्लास हमारी चलती है उसमें हमने ये प्रश्न किया था, झारखंड का राजकीय पशु जो है हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, राजकीय वृक्ष साल है, राजकीय पुष्प पलाश है, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है, माँ का एक कहानी शीर्षक कविता में माँ किसको कहानी सुनाती है? सिद्धार्थ को, बुद्ध को, राहुल को, दासी को। देखिए ये भी क्लास 5 का प्रश्न है। तो एक यहाँ पर जो JCERT जो भी प्रश्न बना रहे हैं बिल्कुल सही प्रश्न बना रहे हैं, हमने आपसे कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप एक बार नोटिस तो जारी कर दीजिए कि इतना तक वीकली टेस्ट में जो आएगा वो क्लास 5 का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एटलीस्ट आप ये नोटिस तो जारी कर सकते हो कि हम इतना वीकली टेस्ट तक लेंगे तो क्लास 5 का क्वेश्चन आएगा और ग्रामर का आएगा, तो उसी के आधार पर बच्चा तैयारी करेगा। वैसे यहाँ पर पैटर्न में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 6 में आ गए हो, इसमें आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगी। यहाँ पे सही उत्तर होगा गा, राहुल को। दे रखा है, धरती का आबा या भगवान झारखंड में किस महापुरुष को बोला जाता है? विकल्प है सिद्धू कानू, नीलांबर, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा को। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? गुलाब, गेंदा, कमल, प्लास। तो झारखंड का राजकीय पुष्प प्लास है, घास ही होगा। देखिए दे रखा है, हमारे राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा?
तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे जंगल झाड़ वाला क्षेत्र, लिखेंगे हमारे क्षेत्र में जंगल और झाड़ अधिक होने के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। फिर से प्रश्न आ गया है क्लास फाइव का, कबीर दास ने गुरु और गोविंद किसे बनाया है, कारण बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे, आपने कब यहाँ पे पढ़ा होगा दोहा एकादश, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू का पाए, बलि हरि गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास ने गुरु और गोविंद में गुरु का स्थान गोविंद यानी कि भगवान से ऊंचा बढ़ाया है, क्योंकि भगवान कौन है, उनका आकार कैसा है, वे कैसे दिखते हैं, इसका परिचय हमें गुरु ने ही करवाया है। तो सही उत्तर क्या होगा, यही होगा, लिख देंगे रहीम कवि में कौन सा धागा नहीं तोड़ने की शिक्षा दी है, कारण बताएं। आपने पढ़ा है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका आए, टूटे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। क्या होगा इसका उत्तर, इसका अर्थ यह हुआ रहीम प्रेम रूपी धागे को एक झटके में तोड़ने को नहीं कहते हैं, क्योंकि यदि प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाए तो वह जल्दी नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी एक खटक सी लग जाती है। मान लीजिए कि आप किसी आपके रिश्ते में बहुत अच्छा सा प्रेमवश चल रहा है, सभी कोई किसी को प्रकार से परेशानी नहीं है, एक बार रिश्ते में झगड़ा हो जाए या फिर किसी तरह के मनमुटाव हो जाए तो फिर से वैसा प्रेम नहीं रह जाता है, वो एक खटक सी रह जाती है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उसे इतना मानता था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो वही यहाँ पे कहा गया है। फिर से प्रश्न है कक्षा पाँच का, हम सब सुमन कविता के शीर्षक कविता में सुमन किसे कहा गया है। तो इस प्रश्नों को ऐसा नहीं है बच्चा कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता हूँ, बिल्कुल बच्चा इन प्रश्नों को मैंने कई बार करवाया क्लास फाइव का हिंदी, आप देखोगे यूट्यूब में उठा करके तो क्लास फाइव का हिंदी मैंने इतना बार पढ़ा है, 4 से 5 बार मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। तो ये प्रश्न तो बहुत ही हल्का था, लेकिन एक बार JCERT यहाँ पे सिलेबस जारी कर दे, रूटीन जारी कर दे कि अभी तक मैं क्लास फाइव का पूछूंगा, उसके बाद फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, फिर मैं क्लास फाइव का ही धुआं कर दूंगा। लिखेंगे हम सब सुमन कविता के शीर्षक में, कवि ने सुमन इंसान को बनाया है, मानव को बनाया है, बताया है। सर्वनाम किसे कहते हैं, 3 उदाहरण दे। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जो शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जिन शब्दों के बदले प्रयोग करते उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, यह, वह, 3 हो गया। जैसे मैंने एक लिखा कि राम जाता है, देख लीजिए मैंने लिखा राम जाता है, अब यहाँ पर राम क्या है, एक संज्ञा है, राम की जगह मैं लिख दूँ वह, लिख सकता हूँ वह जाता है, तो वह किसके लिए बता रहा है, वह आया है राम के स्थान पर, राम संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द है वह सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम है। तो यह था आपका आज का वीकली टेस्ट का आंसर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, PDF वगैरह के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।